हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन टेलरिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चोली कट ब्लाउज। तो चोली कट ब्लाउज कैसे काटते हैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है और ये हम पे ये नाप का ब्लाउज है। इसमें हम पहले नापेंगे, फिर उस पर अस्तर पर काटेंगे। तो पहले हम दाएं से बाएं की तरफ नापते हैं सीने को। तो सीना हमारा ये 18 है, तो हम इसमें 2 इंच ज़्यादा लेते हैं, तो इसको 20 लेंगे। और ये हमारा पीछे पीछे का पल्लर है, इसकी लंबाई 13 है, तो इसको हम 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं 14। तो अभी हम इसमें अस्तर पर काटेंगे। अब तो हमने जो नाप होता है वो नाप ले लिया है। ये हमारे मोड्डे हैं, तो मोड्डे हमको 5.5 के लेने होते हैं और ये हमको 6 इंच नापना होता है और ये हमको 10, इसका नाप हमको 10 लेना होता है। और जैसे जैसे आप नाप लेते चलें उसी तरीके से इस पर निशान लगाते चलें, इसको आपको काटने में आसानी होगी। और ये हमको 2 इंच लेना पड़ता है। गला आपकी मर्जी है, जितना आप लेना चाहें, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक शेप बन गया है। तो इसको आप काट लें और निशान लगाना बिल्कुल ना भूलें। तरीके से आपने निशान लगाया हुआ है उस तरीके से आप काट लें। और आपको इधर से एक शेप देना होता है, इसको गोल कर लें इस तरीके से। और ये आपका पीछे का पलर कट रहा है, जैसे कि आपने जैसे नाप लिया होता है उसी तरीके से आपको इसको काटना है। और ये आपका पीछे का पलर कट गया है और ये आपका नीचे का तीरा है। तो आपको ये चोली हम अखबार पर काट के दिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और इसमें कोई गलती ना हो चोली काटने में। तो पहले जो हम ब्लाउज सिलते हैं, तो पहले हम चोली ब्लाउज चोली है वो अखबार पर काट लेते हैं, जिससे कि हमको आसानी हो। तो पहले आप नाप ले लें, जैसे कि हमने ये पहले से जो चोली है और ये बगली का जो तीरा है और ये काट लिया है पहले से, जिससे कि हमको आसानी होती है सिलने पर। और ये नीचे का तीरा है, तो जैसे कि हमने पहले से जो चोली काट ली है, तो आपको और दिखा देते हैं चोली कैसे काटते हैं, तो आप देख लें। ये आपका गला है, इधर से आप निशान लगा लें। जिससे कि आपकी चोली गलत ना हो और आसानी से आप इसको काट लें। इस तरीके से आपको एक शेप देना होता है चोली काटने के लिए। तो ये आपकी चोली कट गई है, इस तरीके से आपको चोली काट लेनी है और इसको और अच्छी तरीके से शेप ले लें और इस पर प्लेट डाल लें इस तरीके से। इस तरीके से आपको प्लेट डालनी है। तो देखते हैं कैसे प्लेट डालते हैं। प्लेट डाल लें ऐसे और उसको मोड़ दें। तो
तो देख लें आपकी ये चोली कट गई है, और प्लेट डाल लें, और ये जो बगली का है उसको देख लें, बगली का तीरा है उसको कैसे काटते हैं। तो आप ब्लाउज देख लें पहले, इसमें कितने इंच का आपको जो बगली का तीरा लगाना है। तो जैसे कि ये 3 इंच है, और इसकी लंबाई है वो 5 इंच है, और ये गला है वो 4 इंच का है। जैसे हमने नाप लिया था उसी तरीके से आपको इधर रखना है और काट देना है। ये 6 इंच का है, और यहां से आपको एक शेप देना होता है, तो आप देख लें। तो ये आपका बगली का तीरा कट गया है। इस तरीके से आपको बगली का तीरा काट लेना है। अब आपको नीचे का तीरा काटना है। तो आपका ये नीचे का तीरा कट गया है, इसको थोड़ी सी शेप दे लेते हैं। तो आप देख लें ये आपकी चोली कट गई है, और ये बगली का तीरा कट गया है, और ये नीचे का तीरा कट गया है। अगर आपका ये जो भी है, आपका ये चोली और ये आपका जो तीरा है बगली का और नीचे का तीरा है, अगर आपको गलत कट जाता है तो आपको इस द्वारा फिर से आपको अखबार पर काट लेना है, गलत नहीं काटना है। अब आप इसको अस्तर पर रख लें, जिससे कि आपका जो अस्तर है वो गलत ना कटे। जैसे आपने अखबार पर काटा है उसी तरीके से आप अस्तर को काट लें। तो आपकी ये चोली कट गई। अब आपका जो बगली का तीरा है, जैसे आपने अखबार पर काटा है उसी तरीके से आप इसको अस्तर पर रख लें, और वैसा ही शेप दें जैसे अखबार का है। तो ये आपका ये बगली का तीरा है वो कट गया है। तो इससे क्या होता है, जब आप अस्तर पर काट लेते हैं ये चोली और तीरा, बगली का और नीचे का तीरा, तो इससे आपको आसानी मिल जाती है और एक शेप भी मिल जाता है। तो ये जो बचा हुआ अस्तर है उस पर आप बाजू काटेंगे। तो इसकी ये बाजू है वो आप जो नाप का ब्लाउज है उससे नाप लें, और उस पर निशान लगा दें, जिससे कि आपको ध्यान रहे किसका ये नाप है, और इसको एक शेप दे लें इस तरीके से। और इसको काट लें। तो ये आपकी बाजू कट गई है। तो ये था दोस्तों अस्तर। तो अब काटना है आपको कपड़ा। तो जैसे आपने अस्तर काटा है उसी तरीके से आपको कपड़ा काटना है। तो ये कोई सिंपल कपड़ा नहीं है, ये डिजाइन वाला कपड़ा है। तो आपको इसको इस तरीके से डबल कर लेना है, जैसे कि आपने अस्तर किया था। तो पहले आपको ये पीछे का पल्ला इस पर रख लेना है, और इसकी डिजाइन है उसके ऊपर ही रखना है, जिससे कि डिजाइन ना कट जाए, और इसको काट लेना है।
इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको काट लें। तो ये आपका पीछे का पलर कट गया है, रख लेते हैं इसको। तो अब आपको चोली काटनी है, जैसे आपने अस्तर पर काटी हो उस अस्तर को आप रख लें कपड़े पर और एक चोली का शेप दे दें कपड़े पर। धीरे धीरे काट लें। तो ये आपकी चोली कट गई है। ये आपका जो है बगली का तीरा, बगली का तीरा इसमें से काट लें। इसको अस्तर को कपड़े के ऊपर रख लें जो बगली का तीरा है, फिर इसको काट लेते हैं। धीरे धीरे इसको संभाल के काटना है ताकि अस्तर नहीं कट जाए। तो ये आपका बगली का तीरा कट गया है। अब जो बचा है वो है नीचे का तीरा, तो इसको थोड़ा छांट लें, ज्यादा बड़ा है। कपड़े को थोड़ा मिला लेना है जिससे कि जो आड़ा तिरछा ना हो। तो जो आपका जो बकड़ी का तीरा है उसको इसके ऊपर रख लें और इसको काट लें। तो ये आपका बगली का तीरा कट गया है। अब जो बचा हुआ है वो है आपकी बाजू। तो जैसे कि जो डिजाइन थी बाजू की, उसको आपको साथ में लेना है बाजू की। तरीके से आप बाजू काट लें विद डिजाइन के साथ। तो ये आपकी एक बाजू कट गई है। अब ये दूसरी बाजू है, इसको भी आप ऐसे ही अस्तर को रख लें उसके बराबर और फिर इसको भी काट लें। इसको देख लें आपकी जो डिजाइन है वो गलत ना कटे। इसके लिए आप उस पर कपड़े ही रख लें जो आपने पहले काट लिया है वही, और इसको भी काट लें। तो दोस्तों ये आपकी बाजू कट गई है। तो देख लें हमने इस वीडियो में क्या क्या काटा हुआ है, तो उसको एक एक बार देख लेते हैं। तो पहली चीज दोस्तों वो है बाजू, जो बाजू आपने काटी थी, और दूसरा है वो अपना जो नीचे का तीरा वो काटा है, फिर है वो चोली जो हमने पहले उस पर काटी थी अखबार पर, उसके बाद हमने अस्तर पर काटी, फिर उस कपड़े पर काटी है, फिर है हमारा जो बगली का तीरा वो भी हमने पहले अस्तर पर काटा था, पहले हमने अखबार पर काटा, फिर अस्तर पर काटा, और फिर ये हमने कपड़े पर काट लिया। तो दोस्तों ये हमने ये इतनी चीज़ें इसमें काटी थी इस वीडियो में, और ये है हमारा पीछे का पल्लर। तो ये हमने पांच चीज़ें पूरी ये इस वीडियो में काटी हैं।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।